हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स क्लास एट की वर्कशीट 36। 6 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एल्जेब्रा जो है बेस इज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशन, इन तीनों पर बेस होता है ना। अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी चीजें ऐसी होती है, जैसे एक्स प्लस दो, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक्स जो है वेरिएबल है, तो कॉन्स्टेंट हो गया, और एक्सप्रेशन है इसमें प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव लगता है। तो इन अल्जेब्रा वी कैन फाइंड आउट सॉल्यूशन, कई सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक ये ऑपरेशन तो आप लोग जानते ही है ना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ऑपरेशन है। चलिए अब दो सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन वन, रहीम और रश्मि के पास कुछ बैलून है। रहीम के पास 4 बैलून है और रश्मि के पास 5, तो टोटल कितने बैलून हुए? रहीम प्लस रश्मि के बैलून ऐड कर दीजिए, 9 बैलून होंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, रहीम के पास 6 टॉफी है, लेकिन रश्मि जो है अपनी टॉफी को बताना नहीं चाहती, उसके पास कुछ टॉफियां हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों के पास कितनी टॉफी होगी? क्योंकि रश्मि के पास हमें टॉफी नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास एक्स टॉफी है। एक्स मतलब एक्स इज वेरिएबल, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी टॉफी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो टोटल टॉफी कितनी होंगी? रहीम और रश्मि की टॉफी को ऐड कर लेंगे तो टोटल टॉफी होगी, ठीक है, रहीम की टॉफी 6 है, रश्मि की टॉफी एक्स है, तो टोटल टॉफी होगी 6 प्लस एक्स। क्लियर हो गया? नाउ देखिए, तो एल्जेब्रा में हम जो अल्फाबेट वेरिएबल के रूप में अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे ये अल्फाबेट से इनको यूज करते हैं वेरिएबल के लिए। अब चलिए सिचुएशन को समझते हैं। टीचर ने तीन बच्चों को बुलाया, संचित, गुरलीन और अब्दुल। संचित के पास 4 पेंसिल है, गुरलीन के पास 3 पेंसिल है, अब्दुल के पास कुछ पेंसिल है। अब वो पेंसिल हमें पता नहीं है, हमने उसको एक्स मान लिया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। टोटल पेंसिल कितने हुए? 4 प्लस 3 प्लस एक्स, यानी 7 प्लस एक्स पेंसिल एंड टोटल। नाउ कम्प्लीट द टेबल, टेबल को कम्प्लीट कीजिए। अब ये देखिए, पेंसिल स्वाति और मुकेश के पास 3 और 5 पेंसिल है, तो टोटल पेंसिल हो गई 3 प्लस 5। अब टोटल का डबल कर दीजिए, तो 2 आगे लगा देंगे, 2 × P+5। क्लियर हो गया? इस तरह से हमें डबल करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कुछ। नाउ टॉफी देखिए, M+2 है, इसको डबल करना है, तो 2 × M+2। नाउ 8 प्लस T, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 प्लस T। मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 16, और फिर 2 को T से कीजिए, 2T। तो ये भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ राम कहता है मेरी एक्स ईयर है, यानी उसको अपनी एज बताना नहीं चाहता, तो एक्स मान लिया गया। फादर कहते हैं मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हूँ, 3 टाइम्स। ब्रदर कहता है मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। माँ कहती है मैं तुम्हारे पिता की एज से 2 साल छोटी। तो राम की प्रेजेंट एज कितनी हुई बच्चों? X years. फादर की, फादर 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगा years. अब मदर कितनी है? मदर पिता से 2 साल कम, पिता थे 3x, उसमें 2 कम कर दिया हमने, 3x - 2 years. ब्रदर 2 साल बड़ा है राम से, तो राम x का है, 2 और जोड़ दो, तो ये हो गया x+2 year ब्रदर की एज। टोटल एज मदर और ब्रदर की कितनी होगी? तो मदर की एज है 3x - 2, फिर प्लस ब्रदर कितना है? x+2। देखिए ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 कट जाएगा, 3x में x ऐड करेंगे, 4x ईयर्स। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।